बात कर्नाटक चुनाव की, जहां चुनावी मुद्दों को समझते हुए हम बेलगांव पहुंचे। यहां हमें पीने के पानी की भारी किल्लत दिखी। लोग हफ्ते भर पानी की सप्लाई की बाट जोहते हैं, तब जाकर पीने का पानी आता है। कैसे पानी बना हुआ है यहां बड़ा मुद्दा, देखिए ये रिपोर्ट। देश में कर्नाटक की पहचान सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाले राज्यों में रही है, लेकिन पहचान से अलग कर्नाटक का एक सच ये भी है कि राज्य में पीने के पानी जैसी बुनियादी चीज की भी किल्लत है। कर्नाटक के बेलगाम की गलियों में जब हमारे संवाददाता घूमने निकले, तो चुनावी मौसम में पानी को लेकर हर किसी की एक ही कहानी दिखी। ज्यादातर इलाके में पीने का पानी 5 दिन में एक बार आता है। सुबह में आता है पानी, आया तो और जाता है, फिर रात में छोड़ता है शाम 8-9 बजे। वो रात में क्या काम करने का पानी भर के, ऐसा वेस्ट जाता है कि नहीं पानी हो। तो ये हफ्ते में पीने का पानी कितनी बार आता है? एक बार आता है हफ्ते में, एक बार पीने का पानी। हाँ, पीने का पानी। एक शहर के तौर पर बेलगाम में रौनक की कोई कमी नहीं, लेकिन पानी की परेशानी कमोबेश हर घर में है। शिवलीला पूरे हफ्ते पानी की समस्या से जूझती रहती है। वह मुश्किल किसी तरह टंकी में पानी स्टोर करके काम चलाया जाता है। दिन में कितनी बार पानी आता है? दिन में नहीं आता भैया, 5 दिन को। 5 दिन को एक बार आता है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। सबसे ज्यादा आप लोगों को परेशानी होती होगी। शिवलीला के मुताबिक चुनाव के वक्त हर नेता वादा करता है, फिर कुछ भी ठीक नहीं होता। वोट किसे देंगी, इस सवाल का सीधा जवाब तो टाल जाती है। इस बार करेंगे वोट? हाँ, करेंगे। किसको करेंगे? देखिए देखेंगे, इधर ऊपर वाले एक जेडीएस को बैठे हैं, उन्होंने हमारे को करो बोलते हैं। अच्छा, ऊपर वाले इधर है ना। हाँ, कार्यकर्ता है कोई? देखिए, बीजेपी वाला आए तो अच्छा रहता है ना। बेलगाम के इसी इलाके में सुहेल पानी की टंकी की दुकान चलाते हैं। सोहेल के मुताबिक कभी 5 दिनों में, कभी हफ्ते में पानी आने की वजह से इलाके में दो तरह के पानी की टंकी की डिमांड है। क्योंकि इसमें स्मेल नहीं आता है, ये पानी में, ये टैंक में स्मेल नहीं आता है। अच्छा, काहे का? प्लास्टिक का, इसमें स्मेल थोड़ा बहुत आता है। हफ्ते में कितने बार पानी आ रहा है अभी? एक बार आता है। उसी से नहाना, उसी से धोना, उसी से धोना। तो कैसे फिर, कैसे इकट्ठा करते हैं, हफ्ता भर कैसे चलाते हैं? क्या यही इसमें स्टोर करना पड़ता है पानी सर? ये टैंक लेना पड़ता है, ये टैंक में स्टोर करना पड़ता है। अच्छा, तो जो वाटर लाइन की सप्लाई है वो यहाँ पूरे शहर में ठीक है या टैंकर से ज्यादा सप्लाई होता है? ज्यादातर टैंकर से भी सप्लाई होता है। अभी ये सीजन में तो टैंकर से ज्यादा सप्लाई होता है, पानी की दिक्कत बहुत है। ये सीजन में तो पानी बहुत कम मिलता है। पानी की ये कमी बेलगाम ही नहीं, हुबली में भी दिखी। यहाँ टैंकर से पानी की सप्लाई भी खूब होती है। टैंकर वाले पानी से ही बड़ी आबादी की जरूरत पूरी होती है। कर्नाटक के हुबली और बेलगाम से विकास भदौरिया की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।